नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं श्वेत पत्र। क्या आप जानते हैं इटली में कोरोना वायरस के एक मरीज ने 10,000 लोगों के बीच संक्रमण फैलाया था। अगर जानते हैं तो आपको होशियार रहना चाहिए, इसीलिए क्योंकि भारत में एक के बाद एक ऐसे मामले आ रहे हैं कि लोग जांच से डर रहे हैं, लोग इलाज से डर रहे हैं। एक ऐसी जोड़ी जो इटली से लौटी, पति को कोरोना वायरस संक्रमण था, पत्नी निकल गई अपने मायके वालों से मिलने के लिए, बड़ी जद्दोजहद के बाद प्रशासनिक अधिकारी वहां से लापता पता चला, वो भी कोरोना वायरस की मरीज है, ट्रेन की का सफर प्लेन का सफर कर चुकी थी। अब इसके अलावा पंजाब सरकार ने कहा 335 ऐसे लोग हैं जो अलग अलग कोरोना अफेक्टेड देशों की यात्रा करके लौटे हैं और उनका अता पता नहीं मिल रहा। 7 जो मरीज हैं सस्पेक्टेड, वो भी गायब है अपनी जगह से। अब अगर ऐसे किया जाएगा तो देश का क्या होगा, दुनिया का क्या होगा? इसीलिए आज श्वेत पत्र में हम आपको कोरोना वायरस से जुड़ी हर जानकारी देंगे। स्क्रीनिंग कैसे होती है, क्वारंटाइन का मतलब क्या होता है, क्या आपको डरने की आवश्यकता है फिर नहीं, या सावधानी से आप अपनी भी जान बचा सकते हैं और बाकी सबकी भी। शहर के शहर बदल गए, जीने के सलीके बदल गए, लोगों के मिजाज बदल गए। पूरी दुनिया के अंदाज बदल गए। विश्व शक्तियां संकट की आहट से चौकन्नी हैं। विकास के सारे पैमाने मानवता को बचाने की कवायद में जुटे हैं। एक वायरस आया है सबसे बड़ी चुनौती बनकर और पूरी दुनिया सिमट गई है उसमें। COVID-19 continues and will continue to spread. $1 billion COVID-19 response fund. COVID-19 can be characterized as a pandemic. साथियों, ऐसे समय में अफवाहें भी तेजी से फैलती हैं। कोई कहता है ये नहीं खाना है, वो नहीं करना है, कुछ लोग 4 नई चीजें लेकर के आ जाएंगे कि ये खाने से कोरोना वायरस से बचा जा सकता है, ढिकना करने से बचा जा सकता है। मेरी सभी देशवासियों प्रार्थना है, मेहरबानी करके इन अफवाहों से भी बचना है। आपको कुछ भी लगता है, जो भी करें अपने डॉक्टर की सलाह से ही करें, हम स्वयं डॉक्टर न बन जाए। To unleash the full power of the federal government in this effort today, I am officially declaring a national emergency. 2 very big words. The action I am taking will open up access to up to $50 billion of, very important and a large amount of money for states and territories and localities in our shared fight against this disease. In furtherance of the order, I'm urging every state to set up emergency operation centers effective immediately. Very easy, because they go like this. अपील है, दुआएं हैं, नसीहतें हैं, शिकायतें हैं, तसल्ली है, दिलासे हैं, मन्नतें हैं, प्रार्थनाएं हैं। एक वायरस ने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया है। कहीं अघोषित सावधानियां हैं, कहीं घोषित आपातकाल। सैनिटाइजर ऐसे घर में तो ऑलरेडी हमारा हमेशा रहता था, लेकिन यूज उतना नहीं करते थे। अभी अवॉइड करने से ज्यादा हैंडशेक को अवॉइड करने से ज्यादा यू नो वी आर अवॉइडिंग स्प्रेडिंग द डिजीज, तो मैं तो उसको उस हिसाब से थोड़ा ज्यादा कंसिडर कर। एक है कि हम भी डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, और जिसको कोरोना है वो अपना खुद प्रिकॉशन ले तो किसी को मतलब इतना डरने की जरूरत नहीं है। और हम लोग भी मास्क पहन रहे हैं, भीड़ भाड़ वाली जगह में नहीं जा रहे। खेल के मैदान सूने हो रहे हैं, जलसों के पंडाल में वीरानी है, स्कूल नहीं, सिनेमा नहीं, उत्सव नहीं, मजमे नहीं, फिलहाल ये सब स्थगित हैं। जब हार जाएगा मौत का वायरस तब लौटेगा सब, तब तक सुरक्षित रहना है तो ख्याल रखना है हर किसी को अपनी अपनी जिम्मेदारियों का। अब इंडिया के अंदर में जो हमारा एपिडेमिक है वो एक अच्छी स्टेज पे है,
क्योंकि इसको हम अभी कंटेन कर सकते हैं। इंडिया ने बाहर के देशों के साथ में इंपोर्ट, कोरोना वायरस का इंपोर्ट बैन कर दिया कि आप कोरोना को लेकर इंडिया में नहीं आ सकते। 60 केसेस हैं एट दी मोस्ट, अगर हम इसमें लेके चलें 100-100 लोग भी लेके चलें एक आदमी के कॉन्टैक्ट को, तो ज़्यादा से ज़्यादा 6,000 लोग ऐसे हैं जिनको अपने वॉच करना है। इन 6,000 लोगों को आप आइसोलेट कर दो, इनको वॉच करो, इनके सिम्टम्स को वॉच करो, बाकी पब्लिक को आप बताओ कि स्वच्छ भारत अभियान के अंदर में आपने अपनी सरफेसेस को डिकंटामिनेट करना है और हाथ को धोना है। दुनिया ने इससे पहले अपने दरवाजे कभी बंद नहीं किए थे, एक दूसरे से इतना परहेज नहीं किया था, सड़कों पर एक साथ इतना सूनापन नहीं था। ये एक ऐसी आपदा है जिसने दुनिया को बांट कर भी एकजुट कर दिया है। Didn't shake hands today, and we looked at each other. We said, "What are we going to do?" You know, it's sort of a weird feeling. I think we went. And we said at the same time, we did this. You know, I just got back from India, and I didn't shake any hands there, and it was very easy because they go like this. Coronavirus, यानी COVID-19 को महामारी घोषित कर दिया गया है। भारत ने 15 अप्रैल तक सभी वीजा सस्पेंड कर दिए हैं। अलग अलग राज्य सरकारों ने अपने स्तर पर पाबंदियां लगाई हैं। स्कूल कॉलेज संस्थान बंद कर दिए गए हैं, सिनेमा हॉल तक बंद कर दिए गए हैं। अभी तक जो गवर्नमेंट स्टेप उठा रही है मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है, और इससे गैदरिंग कम होगी, लोग कम निकलेंगे, तो कुछ तो कंट्रोल होगा। इंडियन गवर्नमेंट वगैरह जो कुछ कर रही है, जैसे स्टेट्स की गवर्नमेंट भी काफ़ी कुछ कर रही है, जैसे सिनेमा हॉल्स बंद कर रही हैं, स्विमिंग पूल्स बंद कर रहे हैं, काफ़ी चीज़ें क्राउडेड एरिया में जाने से लोगों को मना कर रहे हैं, तो आपको लगता है ये सब चीज़ें काफ़ी हैं या फिर गवर्नमेंट को और कुछ भी करना चाहिए? नहीं, ऐसे तो ये सब चीज़ें काफ़ी है, बट इनकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एकदम से क्राउड वाले एरिया पर भी ये फैलेगा नहीं अगर हम प्रिकॉशंस रखे तो। ये गवर्नमेंट तो पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल जो होता है, तो हम लोग का कोई ये सावधानी अवलंबन करना जरूरी है। नहीं, गवर्नमेंट ने जो भी स्टेप उठाए वो अच्छे उठाए, और वो उसको प्रजा की भी चिंता कर रहे हैं, और सबको मास्क पहनने के लिए, ज़्यादा भीड़ में नहीं जाना चाहिए, और कोई भी तकलीफ होवे तो इमरजेंसी गवर्नमेंट सारवार दे, ऐसी सूचना और ऐसा मैसेज पास किया है गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट रेडियो के जरिए, टेलीविज़न में जो एडवर्टाइज आ रही है, जो एक वीडियो कॉन्फ्रेंस चलते गवर्नमेंट ऑफिशियल को जो इंस्ट्रक्शन दिए जा रही है, एकदम प्रॉपर है, और उसके चलते आप देखिए और जो कंट्री में ज़्यादा प्रॉब्लम है जहाँ पे पॉपुलेशन कम है, लेकिन हमारे कंट्री में इतना पॉपुलेशन होने के बावजूद भी जो भी एडवाइजरी है और जो भी स्टेट गवर्नमेंट स्टेप ले रही है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही है, मुझे लगता है पूरा सफिशियंट। तो 14 देशों में 1.5 लाख के आसपास मरीज और अब तक 5,000 से अधिक मौतों के साथ कोरोना वायरस ने लगभग पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया। भारत में कोरोना के कंफर्म केस पिछले कुछ दिनों में बढ़े हैं। जो बुजुर्ग लोग हैं या जिनको और कोमॉर्बिडिटीज हैं, हार्ट की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, उनमें ज़्यादा सीवियर निमोनिया हो सकता है, और उनको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो हमें प्रिकॉशन पूरे रखने हैं।